प्रोग्राम में आप सभी का खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ वहीद। बात करना चाहेंगे जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के हवाले से, मौसम के हवाले से, और मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर जो है गाड़ियों की आवाजाही इस समय बिल्कुल पूरी तरह से बंद है। दरमियानी रात से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मिहाड़ के इलाके में और इसके साथ में जो रामसू का इलाका है, गांगरों के इलाके में जो है कौमी शाहरा जो है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। मूसलाधार बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है और यहाँ पे आपसे ये कहा गया है जो सफ़र के हवाले से सोच रहे हैं कि सफ़र जो है आप इस वक्त ना करें, चूँकि मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जो है बनिहाल से रामबन तक भी जो है लगातार जारी है। जहाँ पर कश्तवाड़ी पत्थर गांगरों के इलाके में जो लोकेशंस है, गांगरों रामसू और कश्तवाड़ी पत्थर के मकाम पे इस समय भी जो है सुबह सुबह जो 6 बजे हमने जानकारी आपको दी थी गुलिस्तान टीवी के ज़रिए, और फिर सलाम जे के प्रोग्राम में जिस तरह से आप सारा उस पर जो जानकारी आप लेते हैं, तो कौमी शाहरा पूरी तरह से अभी भी बंद है। मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा चिनानी नास्ती चैनल के बैक साइड में जो है कई गाड़ियों को फ़िलहाल रोक दिया गया है, और इसके साथ में वादी कश्मीर का जो काजीगुंड का सेक्टर है फ़िलहाल ट्रैफिक को रोकने की बात कही जा रही है, ताकि यहाँ पर जब मूसलाधार बारिशों का सिलसिला बंद हो जाए उसके बाद ही आप कौमी शाहरा पे सफ़र करें। लेकिन कहीं ना कहीं पे दिक्कतें अभी भी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे है, और जूँ ही बारिशों का सिलसिला रहता है तो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मुतद जगहों पर लैंडस्लाइड और शूटिंग स्टोन का सिलसिला रहता है। और ट्रैफिक अथॉरिटी के साथ भी जो हमारी सुबह सुबह बात हुई, उनका मानना है कि सफ़र शुरू करने से पहले लोगों को नज़दीकी ट्रैफिक यूनिट्स के साथ राबिता कायम करना चाहे, उसके बाद ही सफ़र के बारे में सोचना चाहे। राष्ट्रीय राजमार्ग पे मुतद जगहों पे पैंतिहाल के एक साइड में भी जो है अभी कल की डेट में भी कुछ शूटिंग स्टोन के मामला जो है, मलबा जो है बिल्कुल कमज़ोर तर्ज का दिख रहा था, और इसके साथ में कश्तवाड़ी पत्थर गांगरू रामसू जो वक्तन फ़ौरन हम आपको जानकारी देते हैं कि क्या कुछ सूरत हाल है। लेकिन आज की अगर बात करें तो महकमा मौसमियात का मानना है कि आज मौसम के मिजाज इसी तर्ज के रहने वाले हैं, इसलिए आपसे कहा गया है कि बेहतर है कि आज आप सफ़र के बारे में ज़्यादा ना सोचें, और उम्मीद है कि फ्यूचर में कल से जो है मौसम में बेहतरी आ सकती है। आज के लिए महकमा मौसमियात का मानना था कि आज मौसम के मिजाज जो है बिल्कुल थोड़े से तेवर उसके ज़्यादा यानी जो है ख़राब रह सकते हैं, जो कि बिल्कुल रात भर जो है बारिशों का लगातार सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से कौमी शाहरा पे मुतज जगहों पे सूरत हाल जो है वो बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। कई जगहों पे हल्की शूटिंग स्टोन का सिलसिला है। कश्तवाड़ी पत्थर के साथ में जो है सिंगल वे स्पेस तो बनाई गई है, लेकिन खतरा जो है अभी भी हर जगह से दिखता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जो मिहाड़ का इलाका है वहाँ पर जो मड स्लाइड है उस पर काम जो है शुरू किया गया है, लेकिन कौमी शाहरा पे चमलवास के इलाके में भी थोड़ी सी कम्प्लिकेसी है। जहाँ पर खटाना बस्ती एक जो बस्ती है वहाँ के बिल्कुल दामन में, वो बस्ती को भी काफ़ी ज़्यादा खतरा है। रतनबास के इलाके में जो हमने कल दिन भर जायज़ा देखा वहाँ पर भी तकरीबन कई घरों के अंदर जो है क्रैक्स पड़े हुए हैं, चूँकि कटिंग की वजह से वहाँ पर रतनबास के इलाके में भी यहाँ पर लैंडस्लाइड का सिलसिला, और कहीं ना कहीं पर जब मूसलाधार बारिशें हो तो उसमें सफ़र में परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है, चूँकि टोपोग्राफी और जो फोर लेन का जो स्ट्रेच है रामबन से लेकर बनिहाल, ये अभी भी खतरे से खाली नहीं है। तो मैं बताता चलूँ कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे अभी भी ट्रैफिक की मूवमेंट बंद है। जूँ ही ट्रैफिक की मूवमेंट जो है बहाल हो जाएगी तो उसका अपडेट भी हम आप तक लाने की कोशिश करेंगे। जाते जाते मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करूँगा कि मौसम काफ़ी ज़्यादा अबुरादा है। रामबन ज़िला के दूर दराज इलाकों में, मोहमंगित के ऊपरी इलाकों में कई इंच बर्फ़ जो है आज भी पहाड़ी इलाकों में रिकॉर्ड की गई है, और इस वक्त भी लगातार मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा गांगरो रामसू और मिहाड़ कैफ्टेरिया मोड़ पे कौमी शाहरा के लिए बंद है। तो नेक्स्ट अपडेट में आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।